कहते हैं कि कुदरत की लीला कुदरत ही जाने, पता नहीं कब कौन सा कुदरत का करिश्मा देखने को मिल जाए। मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए तो हट्टा कट्टा इंसान अचानक से दुनिया से गायब हो जाए, ऐसी खबरें आए दिन कहीं ना कहीं से देखने को मिलती रहती है। ऐसी कुछ खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां अशोकनगर जिले में गुरुवार को मुक्ति धाम में उस समय खलबली मच गई जब एक लाश चिता से उठकर बैठ गई और आवाज निकालने लगी। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन किया। मुक्ति धाम में डॉक्टर भी पहुंचे और एम्बुलेंस भी, पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया। इसके बाद भी परिजन नहीं माने तो उस मृतक को फिर जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी जांच हुई पर वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूरा मामला अशोकनगर का है, जहां अरुण जैन नाम के युवक की तबीयत खराब होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। करीब 15 दिनों से वो जिला अस्पताल में भर्ती था। मृतक के भाई का कहना है कि उसे कोरोना की शिकायत थी और गुरुवार सुबह डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, पर जब हम उसे मुक्ति धाम लेकर आए तो उसके शरीर में हलचल हुआ और हुई ओम ओम की आवाज भी आई और वो उठकर बैठ गया। इसके बाद डॉक्टर की टीम आई और उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में मृतक जिंदा था, परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि ये बात गलत है कि वो जिंदा था। मृतक को मुक्ति धाम से लाने के बाद भी चेक किया गया, वो मृत ही था। परिजनों के सभी आरोप निराधार हैं। खैर, अब इसे कुदरत का जादू कहें या फिर डॉक्टरों की लापरवाही, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि कोरोना काल में कई अस्पतालों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिनकी वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।